आज हम बनाएंगे चिकन दो प्याजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है जो कि विद बोन है। आधा किलो मैंने प्याज लिया है, ऑनियन जिसे मैंने लंबे स्लाइसेस में कट किए हैं। ये तड़के के लिए जो हमें गरम मसाला लगेंगे ये है, ये देखिए लवंग है, जावित्री है, दालचीनी, मरीच, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, जीरा, जायफल है जो कि हम इसे खड़ा ही डालेंगे तड़के में। तो अब पैन में हम तेल लेंगे, तेल गरम होते ही इसमें हम सारे गरम मसाला तड़के में डालेंगे और इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। ये हल्का सा हो जाए इसके बाद हम इसे इसमें कट किए हुए प्याज के स्लाइसेस डाल देंगे और एक बार चलाकर और इसे हमें लेट से अच्छी तरह ढक देना है 5 मिनट के लिए। पांच मिनट बाद इसे हमें खोलकर चलाना है अच्छी तरह और इस पे हम अब चिकन के जो पीसेस थे वो डाल देंगे। मैं ये रेड चिली डालना भूल गई थी जो कि मैंने बाद में डाला है। अब इसमें हम चिकन के पीसेस डालेंगे, एक एक करके डालेंगे और तो सारे प्याज के ऊपर डालेंगे फैलाकर और इस पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। नमक डालने से थोड़ा जल्दी पक भी जाएंगे चिकन और इसे हमें 10 मिनट के लिए वापस से ढक देना है। गैस की आँच हमें स्लो ही रखनी है ये बनाते समय। 10 मिनट बाद हम इसे खोलकर एक बार अच्छी तरह चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें हम 2 से 3 चम्मच अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज का पेस्ट है वो डालेंगे 2 से 3 चम्मच और थोड़ा सा सब पाउडर डालेंगे मसाला के। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट बाद हमें इसे अच्छी तरह एक बार मिला लेना है, अच्छे से चलाना है क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। तो इसे हमें 10-10 मिनट में ढककर पकाना है, स्लो आंच में ही पकाना है। इसके बाद देखेंगे तो ये हमारा चिकन दो प्याजा रेडी हो गया है। अब इस पे हम बारीक कट की हुई कोरिएंडर डाल देंगे, ये देखिए तैयार है। आप इसे गरम गरम रोटी से खाइए, ये बहुत ही टेस्टी है। यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।